हो सकता है, इट्स फन, इन सब बात ये भी पॉसिबल है। मुख्य बात मैंने बनाया है इसी तरह से, और भी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर, ये भी पॉसिबल है कि हम यहाँ से घूम के इस पॉइंट पे जाएं। ये डिफरेंट पाथ मैंने शो किए हैं। अब इनिशियल पॉइंट से हम गए हैं फाइनल पॉइंट पे, तो एक तो ये है कि वर्क डन यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होना चाहिए, दिस मस्ट बी इंडिपेंडेंट, यानी कि पाथ पे डिपेंड। तो अगर ये वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा तो ऐसी फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड और ऐसी फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स का नाम दिया जाएगा। दूसरी शर्त ये भी देखी जा सकती है कि अगर क्लोज पाथ की बात की जाए, क्लोज पाथ क्या है कि इनिशियल पॉइंट ये है, अगर इनिशियल पॉइंट से शुरू करें और आप किसी भी दूसरे पॉइंट पे चले जाएं और वापस उसी पॉइंट पे आ जाएं, तीन पाथ शो कर दिए है, ये क्लोज पाथ बना है इस तरीके से कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन अगर जीरो होगा, इस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स और इस फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड का नाम दिया जाएगा। ये उसी वक्त मुमकिन है कि जितना वर्क किया जाए वो सारे का सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो कंडीशन बताई गई है कि इट वर्क्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये राइट आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन, अवार्ड सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ, तो यहाँ पे बड़ा अफसोस हुआ कि ये बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है और हम सब ने मास्टर किया हुआ है, BS किया हुआ है, तो एटलीस्ट ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए। तो वाट इंटू सेकेंड, वाट जो है पावर के यूनिट है, और पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो P इंटू T, दैट मस्ट बी वर्क डन, दैट इज बेसिकली एनर्जी। तो ये एनर्जी के यूनिट बनते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन उसके बावजूद चार लोगों ने यहाँ पे पावर आंसर लगाया और एक पर्सन ने यहाँ पर नन ऑफ दीज लगाया। तो तीसरे क्वेश्चन में कहता है ड्यूरिंग इन इलास्टिक लेयर, पहली बात ये है कि इलास्टिक और इन इलास्टिक में फ़र्क क्या है। इलास्टिक लेयर वो होगा जिसमें दो चीज़ें कंजर्व होंगी, एक तो टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा और दूसरी उसमें कंजर्वेशन होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी की जब बात होती है तो हम अगर फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 देखें, उसमें इन इलास्टिक लियन है, सॉरी इलास्टिक लियन पे डिटेल से बात हुई है। तो होना तो ये चाहिए कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बजाय टोटल एनर्जी की बात की जाए, क्योंकि हमने जो लॉज पढ़े हैं वो यही है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। उस रिस्पेक्ट से टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए, लेकिन स्टिल हम बात करते हैं ओनली काइनेटिक एनर्जी की। यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि एनर्जी के दो हिस्से होते हैं। एनर्जी के अंदर एक हिस्सा है काइनेटिक एनर्जी का और दूसरा हिस्सा है पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की बात उस वक्त की जाती है जब कोई इंट्रैक्शन पार्टिकल्स की, कोई एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। इलास्टिक विलयन की अगर बात करें उसमें हम इंट्रैक्शन कंसीडर ही नहीं करते, हम कहते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये हुआ कि कोई एक्सटर्नल लिंक नहीं है। एक्सटर्नल लिंक ना होने के बाद जैसे वहाँ पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, एक्सटर्नल फोर्स, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट ज़ीरो बन जाता है। पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट जब ज़ीरो बन जाता है तो जो एनर्जी है वो टोटली डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी की। जब टोटली काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी तो इस लिहाज से हम ये कह देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मस्ट कंजर्व इन इलास्टिक लेयर। इलास्टिक और इन इलास्टिक में फ़र्क यही होगा कि इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करेगी, उसके मुकाबले में जो सॉरी जो इन इलास्टिक कोलिजन होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, जो इलास्टिक कोलिजन होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी, उसके साथ साथ लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व करेगा। अच्छा, दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंस क्या है? अगर इलास्टिक की बात करें, इलास्टिक के अंदर मोमेंटम कंजर्व करेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करेगी, इसके मुकाबले में इन इलास्टिक की बात करें, इन इलास्टिक पुलियन में मोमेंटम कंजर्व करेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। तो उस रिस्पेक्ट से अगर आंसर देखा जाए, ड्यूरिंग इन इलास्टिक पुलियन बिटवीन टू बॉडीज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑलवेज रिमेन कंजर्व,
लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलास्टिक में कंजर्व रहती है, इलास्टिक में कंजर्व नहीं रहती। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी, अब मैकेनिकल एनर्जी का ताल्लुक भी इसी के साथ ही काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर इज सी, टोटल लीनियर मोमेंटम। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल देन वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज, जी सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वर्क डन है वो जीरो होगा। क्यों, उसकी रीजन जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर वर्क हो रहा है, तो ये इसका सेंटर है और सेंटर से लेके ये रेडियस है। अब यहाँ पे किसी पॉइंट पे अगर फोर्स देखी जाए, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी अलोंग द टेंजेंट। दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके मुकाबले में अगर बात की इसकी डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या ये रेडियस की, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, वर्क डन का फार्मूला देखें, वर्क डन है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या एफ आर कॉस थीटा। यहाँ पर जब थीटा 90 डिग्री पुट होगा तो वर्क डन बन जाएगा जीरो, मैथमेटिकली ये जीरो आ रहा है वर्क डन। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरी मैग्नेटिक फोर्स, दोनों की वजह से वर्क डन जीरो होगा। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स भी बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स का एनालॉग है। कैसे एनालॉग है, कि अगर मैग्नेटिक फोर्स एक चार्ज पे अप्लाई की जाए तो वो घूमना शुरू कर देता है, और अगर फोर्स एक मास पे अप्लाई की जाए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मास पे अप्लाई की जाए तो वो घूमना शुरू हो जाता है। उसके मुकाबले में अगर बात की जाए लीनियर फोर्स की, तो लीनियर फोर्स ऑब्जेक्ट को एक लाइन के अलोंग मूव करवाता है, ट्रांसलेट करवाता है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स भी यही है कि वो एक लाइन के अलोंग मूव करवाता है, चार्ज को या रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों में फ़र्क है, दोनों में रिजेंबलेंस क्या है, इलेक्ट्रिक और जो है लीनियर फोर्स वो उनमें रिजेंबलेंस है, वो एक जैसी नज़र आती हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स वो एक जैसी नज़र आती हैं। हाउएवर इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो बॉडी सर्कल में मूव करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन हमेशा ज़ीरो होगा। क्वेश्चंस के लिए आपको बाद में टाइम मिलेगा, पहले मैं कंप्लीट डिस्कस करूँगा, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, उसमें हम डिस्कशन करेंगे, तो इसलिए डिस्कशन के दौरान हैंड रेज ना करें जी। तो पांचवा क्वेश्चन है यूनिट ऑफ पावर, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पावर के यूनिट किलोवाट हो, किलोवाट आर एनर्जी की यूनिट है, जौल एनर्जी की यूनिट है, डाइन फोर्स की। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम फॉल्स फ्रॉम रेस्ट टू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वर्क डन बाय द पुश ऑफ एयर ऑन द ऑब्जेक्ट इज, और जी की वैल्यू यहाँ पर बताई गई। तो इस तरह की सिचुएशन है कि ये अगर ग्राउंड है, उसके मुकाबले में एक ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पे पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मसलन एक बुक रखी गई है, तो इस बुक को हमने नीचे फेंकना है, और नीचे जब फेंकना है वो कहता है कि इसका मास, सॉरी यहाँ पर बताया गया मास है 10 kg, और रेस्ट हालत से, ये रेस्ट कंडीशन से फेंकेंगे, और वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, वर्टिकल डिस्टेंस 10 मीटर का मतलब ये नहीं है कि इसकी हाइट 10 मीटर है। जब इसको फेंका जाएगा तो ये फॉल करता है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर इसने डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर किया। रिक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, नीचे आके इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जीरो थी इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बन चुकी है 10 मीटर पर सेकेंड। वो कहता है कि वर्क डन बाय द पुश ऑफ एयर, तो वर्क डन अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, W इज इक्वल टू डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
उस रिस्पेक्ट से वैल्यूज अगर पुट कर देते हैं, डब्ल्यू विल बिकम हाफ एम वी एफ स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वेयर। तो वी आई तो यहाँ पे एग्जैक्ट जीरो है, अगर ये जीरो पुट कर दें तो ये सारे का सारा टर्म कैंसिल हो जाएगी, और बाकी इसके अंदर वैल्यूज अगर पुट करें, मास 10 किलोग्राम है, वी एफ 10 है स्क्वेयर, ये बन जाता है 500। जाओ, लेकिन अगर वर्डिंग पे गौर करें, वो कहता है वर्क डन बाय द पुश ऑफ एयर, ये तो है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फील्ड इसको नीचे की तरफ खींच रही है, ये वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। अगर वर्क डन लिया जाए ड्यू टू एयर, वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से जो वर्क डन बाय द एयर है, तो वो बन जाएगा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो -500 जो होगा। ये तो इसका राइट आंसर ये दूसरा है। तो साथ में कहता है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नो वर्क इज डन इन अ मूविंग ब्लॉक यूनिफॉर्मली ऑन स्मूथ। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, नो वर्क इज डन ऑन मूविंग ब्लॉक यूनिफॉर्मली ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो बाकी ऑप्शंस भी करते हैं चेक। वर्क डन बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून इज जीरो, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं, मून पे जीरो तो हो नहीं सकता, कंसिडरिंग मून ऑर्बिट बी सर्कुलर। नो वर्क इज डन बाय वेट लिफ्टर होल्डिंग ए 175 किलोग्राम मास स्टेडली ऑन हिज शोल्डर, तो ये रेस्ट कंडीशन पे इसका वर्क डन कोई नहीं होगा, जीरो होगा, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। वर्क डन बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड कंसिडरिंग सर्कुलर, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक नजर आ रही है। नो वर्क इज डन ऑन अ मूविंग ब्लॉक यूनिफॉर्मली ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। मूविंग ब्लॉक है, मूविंग ब्लॉक उसने कहा यूनिफॉर्मली ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन है वो जीरो नजर आ रहा है। चौथे ऑप्शन में कह रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑलवेज नेगेटिव। फ्रिक्शन के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा, फ्रिक्शन के बारे में जरूरी नहीं होता कि वर्क डन हमेशा नेगेटिव हो, फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस चीज को रेफरेंस ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और गाड़ी चल रही है, तो आपके साथ जो दूसरा एक ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है या कोई पर्सन बैठा हुआ है वो मूव नहीं कर रहा, तो उस पे और आप पे फ्रिक्शन बराबर लग रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन जीरो होगा। और अगर बात करें कि आप एक जगह पे बाहर रुके हुए हैं और गाड़ी चल रही है, उसके अंदर बैठे हुए आदमी जो है, आप अगर उनका देखेंगे वर्क डन कितना है इस वक्त, तो वो नॉन जीरो होगा। और अगर आप देख रहे हैं कि फ्रिक्शन की वजह से है, तो वर्क डन देखें एयर फ्रिक्शन की वजह से, तो उसको आप नेगेटिव कंसिडर करेंगे। और उसके मुकाबले में अगर वो पर्सन आपको देख रहा है, आप उससे दूर हट रहे हैं, तो आप पे जो वर्क डन वो महसूस करेगा वो पॉजिटिव वर्क डन महसूस करेगा। तो फ्रिक्शन की वजह से तीन किस्म के वर्क हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी स्टेटमेंट सारी ठीक है। क्वेश्चन 8 में कहते हैं ना, डिस्क रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, सेंस ऑफ रोटेशन रिमेन सेम, ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन सेम। तो जब मूव कर रही है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो ओरिएंटेशन उसकी बिल्कुल सेम नहीं रहेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता जाएगा। स्पीड ऑफ एक्स रोटेशन ऑफ इज नॉन जीरो एंड रिमेन्स सेम। तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है, उस रिस्पेक्ट से जो है स्पीड ऑफ रोटेशन वो तो नॉन जीरो और एक जैसी रहेगी, तभी जाके एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। लेकिन ये जो तीसरी ऑप्शन है, इसमें मजीद बता दूँ, स्पीड का सेम होना या रिमेन्स कॉन्स्टेंट इस बात की गारंटी नहीं है कि एंगुलर वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म हो। एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने के लिए ना सिर्फ स्पीड का एक जैसा होना ज़रूरी है, बल्कि डायरेक्शन का भी एक जैसा होना ज़रूरी है, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर दो चीज़ें शामिल होती हैं, मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। चौथे ऑप्शन में कह रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो,
तो अगर एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है उस सूरत में एंगुलर एक्सेलरेशन तो लाजमी जीरो होना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन नॉट ट्रू है, रॉन्ग है, बाकी सारे ऑप्शंस ट्रू। क्वेश्चन 9 में कहता है टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी 2v एंड v रेस्पेक्टिवली, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का आइडिया bsc के अंदर है। यहां पे दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है m2। लेकिन क्योंकि उसने कहा है कि आइडेंटिकल हैं उस रिस्पेक्ट से, इनके मास एक जैसे कंसीडर कर लेते हैं, m है और इसका मास भी m है। तो ये मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल उसने यहां पर मेंशन किया है टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर। तो टुवर्ड्स ईच अदर होने की वजह से ये होगा कि एक अगर मूव कर रहा है लेफ्ट साइड पे तो दूसरा मूव कर रहा है राइट साइड पे। तो इसकी वेलोसिटी अगर v कंसीडर कर लीजिए या 2v कंसीडर कर ले, उसके मुकाबले में इसकी वेलोसिटी होगी ओनली v। अब ये एक सारा सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए क्या है, v सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर देखें, सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी का फॉर्मूला है जी m1v1 प्लस m2v2 ओवर m1 प्लस m2। ये सिंपल इसका फॉर्मूला है। तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, मास क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो कॉमन आ जाएगा, एक की वेलोसिटी अगर 2v है तो दूसरे की वेलोसिटी इसके मुकाबले में नेगेटिव v ली जाएगी, और ओवर m1 प्लस m2 ये मिलके बन जाएगा 2m। तो ये आ गया v ओवर, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बनती है। वेरी सिंपल कॉमन क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है सेंटर ऑफ मास का तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग विद अ सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट ड्यू टू, अगर एंगुलर मोमेंटम और टार्क का रिलेशन देखा जाए, इनका वही रिलेशन है जो फोर्स और लीनियर मोमेंटम का है। फोर्स और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन कुछ यूं है कि फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसी तरीके से जो टार्क है, टार्क क्योंकि फोर्स का एनालॉग है और लीनियर मोमेंटम का एनालॉग एंगुलर मोमेंटम, तो इनका रिलेशन ये बनता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टार्क। क्वेश्चन में पूछता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज कांस्टेंट ड्यू टू जीरो टार्क, अगर ये कांस्टेंट होगा एंगुलर मोमेंटम यानी कि इसमें चेंज जीरो होगी, तो उस सूरत में टार्क क्या बनेगा, टार्क भी एग्जैक्टली जीरो, इसकी रीजन है जीरो टार्क। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास, एस्केप वेलोसिटी का अगर देखा जाए फार्मूला वो है जी v इज इक्वल टू 2gr स्क्वायर रूट। तो इसमें इस फार्मूले में देखिए मास का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो इस रिस्पेक्ट से एस्केप वेलोसिटी वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, यानी कि मास पावर जीरो पर डिपेंड करेगी। टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो टाइम पीरियड का फार्मूला ये है t इज इक्वल टू 2π r ओवर g। उसने बात की है अर्थ, तो यहाँ पर हम कैपिटल R यूज कर लेते हैं, ये है जी फार्मूला r ओवर g स्क्वायर रूट। ये फार्मूला इसमें अगर देखें वो कहता है टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, रेडियस का जिक्र है, बोथ मास एंड रेडियस ऐसा नहीं है, रेडियस पे तो डिपेंड करता है, तो उसको कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट किससे है, तो रेडियस इंडिपेंडेंट नहीं है, मास से तो इंडिपेंडेंट है लेकिन रेडियस से नहीं है, तो दोनों हम इकट्ठे नहीं बोल सकते, ना इधर मास ना रेडियस ऐसा भी नहीं है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा तो वो मास पे इंडिपेंडेंट है। इसका राइट आंसर ए है। वर्क डन विल बी जीरो व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 90 डिग्री आ जाएगा तो कॉस 90 डिग्री जीरो बन के वर्क डन जीरो हो जाएगा। जी द वर्क विल बी नेगेटिव व्हेन एंगल, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री नेगेटिव 1 के इक्वल होता है। एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर देखें एक्स एक्सिस पे, आप फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं जी डिस्प्लेसमेंट एक्स या डी, और वाई एक्सिस पे फोर्स, इसके अंडर जितना भी एरिया आ रहा है वो एरिया क्या आपको बताएगा, दैट एरिया विल गिव यू, फोर्स को आप एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा
एरिया अंडर द कर्व। तो ये होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया अंडर द कर्व ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फोर्स ग्राफ इज वर्क द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। वैसे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के यूनिट जो है वो जाउल्स हैं, लेकिन कमर्शियली इसके यूनिट किलो वाट आर यूज किए जाते हैं। अगर आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखिए, उसमें भी एनर्जी के यही यूनिट यूज किए गए हैं, किलो वाट आर। एज वी मूव अप अ बॉडी अबव द सर्फिस ऑफ द अर्थ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज बी। ये अगर अर्थ है तो अर्थ की जो सरफेस है इस पे किसी भी पॉइंट को आप रेफरेंस के तौर पे चूज करते हैं। इस रेफरेंस के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है MGH, उसको कंसीडर किया जाता है जीरो। ये रेफरेंस लिया जाता है, रेफरेंस पॉइंट इसको कहते हैं। एज वी मूव अप अ बॉडी अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी। अब जो ही हम मूव करते हैं, हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी अगर हाइट गेन होने की वजह से इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है फाइनल, क्योंकि ज्यादा हो जाएगी, इनिशियल कम होगी, तो ये पॉजिटिव चेंज होगा। सो राइट आंसर इज पॉजिटिव। पावर कैन बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, तो पावर का फॉर्मूला फोर्स डॉट वेलोसिटी है, तो बी राइट आंसर है। अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी बी। पर सॉरी, क्वेश्चन जो 18 है इसमें एक और हिंट बता दूं आपको। मैंने एक तरीका बताया था कि आप बेशक डायमेंशन लेके देख लें, उस तरीके से भी आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा राइट आंसर है। तो पहला ऑप्शन, तीसरा, इन दोनों के डायमेंशन ही पावर के डायमेंशन के साथ मैच नहीं होते, इस वजह से बी ही ऑप्शन बचता है। अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी बी, द वेलोसिटी इज डबल्ड, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखें, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे क्या करें, नई जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी खातिर वेलोसिटी को डबल कर देते हैं। वेलोसिटी को अगर डबल कर दी जाए तो ये जाएगी 4 टाइम्स हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये 4 टाइम्स ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी का, 4 टाइम्स राइट आंसर है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिट हाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज टेकन एज जी। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपकी मैं दूर करता जाऊँ। यहाँ पे मैंने रेफरेंस पॉइंट चूज किया था अर्थ को। जब अर्थ को रेफरेंस पॉइंट चूज किया, इस रिस्पेक्ट से जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए, और अगर हम चले जाते हैं इन्फिनिट हाइट पे, इन्फिनिट हाइट पे क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी हाइट इन्फिनिट होने की वजह से इन्फिनिट हो जानी चाहिए। बट स्टेटमेंट दोबारा देखते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंफिनिट हाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो अब इंफिनिट हाइट को हमने रेफरेंस चूज किया है और अर्थ पे चेक कर रहे हैं कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इंफिनिट पॉइंट को रेफरेंस चूज करते हुए अर्थ पे जो बनेगी पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो है। और दूसरा, इसको हम फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, तो जी एम ओवर आर के रिस्पेक्ट से अगर आर बन जाता है इंफिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी, दैट अप्रोच टू जीरो। तो जीरो है इसका राइट आंसर। 21 में कहते हैं किलोवाट आर इक्वल्स टू, किलोवाट आर लास्ट टाइम भी एक कन्वर्जन मैंने की थी शायद चैप्टर नंबर 1 में, तो 3.6 मेगाजोल बनता था। आज मैं दोबारा इसको कर देता हूँ जल्दी से। 1 किलोवाट आर की बात हो रही, किलो का मतलब है 1%, वाट का मतलब है जाउल पर सेकंड, और आर का मतलब है 36 मिनट सेकंड। इसमें सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाता है एंड यू लेफ्ट विद 3.6 10 पावर 6 जाउल्स, जो कि बनता है 3.6 मेगा जाउल। सो 1 किलोवाट आर इज 3.6 मेगा जाउल, इज द राइट आंसर। द डायमेंशन डायमेंशन रेशियो ऑफ वर्क टू पावर, तो वर्क की पावर के साथ डायमेंशनल रेशियो है। वर्क के अगर डायमेंशन देखे जाएं, ये हैं जी ML² एंड T-2, और इसके मुकाबले पावर के हैं ML² T-3। तो
यहाँ पर ये तो एग्जैक्ट कैंसिल हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गया, टी पावर -1 बचेगा, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये टी पावर 1 आ जाएगा। तो ये बनते हैं जी इसके रेशियो के डायरेक्शन टाइम के। दिस इज द राइट आंसर। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है क्योंकि उसकी वजह से जो वर्क डन है वो जीरो होगा क्लोज पाथ में। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से भी ऐसा ही है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से तो वर्क डन है ही जीरो, क्लोज पाथ में ले रहे हैं ओपन पाथ में ले रहे हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसी है जिसमें कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाती है और फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नहीं रहता। तो सी इज़ द राइट आंसर। वन रेवोल्यूशन एक गोल चक्कर को कहा जाता है। तो एक गोल चक्कर अगर काटें उसमें आप एंगल देखें इन डिग्रीज, तो ये जो डिग्रीज की सूरत में एंगल बनता है ये 360 डिग्री बनता है और ये 2π रेडियन बनता है, इसको कहा जाता है वन रेवोल्यूशन। ये तीनों इक्वलेंसीज मैंने लिख दी। तो वन रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग, एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो है v इज इक्वल टू अगर इसका देखा जाए आर और ओमेगा के साथ, तो v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। अगर मैं एक सर्कल ड्रा करूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट इस तरह एक सर्कल में मूव करता है, और इस सर्कल में ये है जी एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये है इस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से अगर इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन देखी जाए, ये है जी डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी और ये है डायरेक्शन रेडियस की और ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो आप राइट हैंड रूल यूज करें। राइट हैंड रूल कैसे यूज करें कि आर से ओमेगा उसकी तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करें तो वो डायरेक्शन देगा वेलोसिटी की। अब यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन लाइक हम कंसीडर कर लेते हैं ठीक है फॉर द टाइम बीइंग कि ये ओमेगा की डायरेक्शन है, जस्ट मैंने एज्यूम किया है। तो अब आर से ओमेगा की तरफ अगर अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें, तो राइट हैंड की फिंगर्स को जब हम कर्ल करते हैं तो वो डायरेक्शन वेलोसिटी की बता रहा है। ये आई थिंक मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर ली, ये मैं इसकी करेक्शन कर रहा हूँ। ये ओमेगा क्रॉस आर जी। अब अगर राइट हैंड रूल यूज करें, एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप आर की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें तो आपका थंब जो है वो जाएगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में, जो कि राइट हैंड रूल है। तो यहाँ पे मेरी अजम्पशन बिल्कुल ठीक साबित हो रही है। उस रिस्पेक्ट से जो डायरेक्शन बन रही है एंगुलर वेलोसिटी की, वो किस तरफ बन रही है, वो बिल्कुल ऊपर की तरफ, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को जाहिर कर रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऑल पॉइंट्स ऑन अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस डू नॉट हैव सेम स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तो यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास ये इस तरह से एक साइकिल है और साइकिल जो है वो रिलेटेड है एक एक्सल के थ्रू। तो ये मैंने यहाँ पर एक एक्सल शो किया है जी। तो इसमें ये दोनों पहिए इसके रोटेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में इसके दोनों पहिए रोटेट कर रहे हैं तो क्या इन दोनों पहियों की स्पीड एक जैसी होगी या डिफरेंट होगी? अगर तो देखा जाए कि दोनों पहियों के एंगुलर स्पीड की बात कीजिए तो दोनों के एंगुलर स्पीड बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि एक पहिया जो है वो पीछे रह जाएगा, दूसरा पहिया आगे निकल जाएगा। ये कनेक्टेड बॉडीज की बात हो रही है। अब उसके मुकाबले में अगर रिजिड बॉडी की बात की जाए, जो कि मैं पॉइंट की तरफ में फॉर एग्जाम्पल ये एक रिजिड बॉडी, इस रिजिड बॉडी के हम टुकड़े कर देते हैं, ये अगर इसका सेंटर है, इसको हमने एक रेफरेंस पॉइंट चूज कर लिया, तो उस सेंटर के रिस्पेक्ट से इसके ये मुख्तलिफ टुकड़े हैं। तो इन मुख्तलिफ
टुकड़ों के मैसेज हैं और यहाँ से सेंटर से लेके इनके फासले हैं, ये फॉर एग्जांपल R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये RN है। तो जब इसको रोटेट करवाया जाएगा सारे ऑब्जेक्ट, अब इस सारे ऑब्जेक्ट को ओमेगा स्पीड के साथ रोटेट करवाया जाएगा, तो क्या पहला टुकड़ा और दूसरा तीसरा और सारे टुकड़े इनकी स्पीड डिफरेंट होगी या एक जैसी होगी? इस पूरे ऑब्जेक्ट की एज ए होल स्पीड काउंट की जाएगी और वो एक जैसी होगी, इनकी स्पीड में कोई फर्क नहीं होगा। अगर इनकी स्पीड में कोई फर्क नहीं होगा तो इनकी स्पीड जो है ऑल पॉइंट्स ऑन अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट डू नॉट हैव सेम, यानी कि कौन सी चीज़ इनमें से डिफरेंट है वो ये पूछना चाह रहा है। तो स्पीड तो डिफरेंट नहीं है, स्पीड हर एक ही एक जैसी है और एंगुलर स्पीड भी एक जैसी ही होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन, जब स्पीड एंगुलर एक जैसी होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी हर एक पॉइंट का एक जैसा ही होगा। अब डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है इनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ से देखा जाए, जो पहला ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट है R1 और दूसरा ऑब्जेक्ट इसका R2 और तीसरा इसका R3 है, R1 है, तो ये सारे के सारे ये चार डिफरेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हर एक टुकड़ा जो है पैच ऑफ आ रिजिड बॉडी है वो डिफरेंट होगा। इसका राइट आंसर डी, फोर्स एंड टॉर्क आर एनालॉगस टू, ये पहले भी मैंने बता दिया, ये लीनियर मोशन की रीज़न क्या है वो फोर्स है और सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन की रीज़न क्या है वो टॉर्क है, ये एक दूसरे के एनालॉग हैं। एनालॉग का मतलब ये नहीं होता कि दोनों क्वांटिटीज बराबर हैं, एनालॉग का मतलब ये होता है कि जो रोल है एक क्वांटिटी का वही रोल किसी दूसरी जगह पे दूसरी क्वांटिटी का है। फोर्स का रोल क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, एफ इज इक्वल टू एम ए, और टॉर्क का रोल क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, टाओ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि इनर्शिया यानी कि मास का एनालॉग है, और अल्फा यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है जो कि लीनियर एक्सेलरेशन का एनालॉग। हाउएवर ईच ऑफ अदर इसका राइट आंसर है। रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क एंड ट्यूब, डिस्क का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है जी 1/2 mv² और इसके मुकाबले में जो हुप है उसका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr². तो ये तो फार्मूले थे, फार्मूला को डिवाइड करना था, इनकी रेशियो अगर ली जाए तो ये 1/2 आता है, 1/2 इज द राइट आंसर। व्हिच थ्योरी इज बेटर अबाउट ग्रेविटेशन? दो थ्योरीज हैं ग्रेविटेशन के बारे में, प्लैंक की तो कोई थ्योरी ही नहीं है ना माइकलसन की है। माइकलसन की अलबत्ता स्पीड ऑफ लाइट के बारे में जरूर थ्योरी है, या ये कह लें कि उसकी ईथर के बारे में थ्योरी है, जिसमें उसने ईथर को रिजेक्ट किया था कि ईथर नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ईथर नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती होती तो फ्री स्पेस के अंदर स्पीड ऑफ लाइट और होती, और फ्री स्पेस के अंदर मौजूद ईथर के अंदर जब आप लाइट एंटर करते तो उसकी स्पीड और होती, क्योंकि फ्री स्पेस में ईथर नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस वजह से क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, माइकलसन की ये थ्योरी, प्लैंक की थ्योरी आप जानते हैं। तो न्यूटन ने पहली थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन पेश की, बाय द वे पहली थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन एरिस्टोटल ने पेश की थी, लेकिन उसमें मैं डिटेल में नहीं जाता। दूसरी थ्योरी आइंस्टाइन ने, आइंस्टाइन की जो कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डेफिनेटली बेटर है न्यूटन की थ्योरी की निस्बत। उसकी रीज़न ये है कि न्यूटन जो है लाइट का बेंड होना उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और न्यूटन ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू स्टार उसकी जो कैलकुलेशन करता है उसमें तकरीबन 50% एरर है, उसके मुकाबले में आइंस्टाइन की जो कैलकुलेशन है वो 1% तक एरर है। तो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन इज बेटर देन न्यूटन, तो विच थ्योरी इज बेटर? आइंस्टाइन। व्हेन टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट, ये पहले भी डिस्कस हो चुके हैं, तो एंगुलर मोमेंटम के यहाँ पर कांस्टेंट होगा जी। तो अब मैं आपको 1/1 मौका दूंगा, जिसने कोई क्वेश्चन करना है वो हैंड रेज करेगा, फिर अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन वो पूछ सकता है जी। एनी क्वेश्चन?
हाँ जी अलग अलग पूछे क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी का जो टॉपिक है हाँ जी उसके अंदर एक लफ्ज आता है 0 पॉइंट, हाँ जी बिल्कुल। कंफर्म करते हैं वो 0 पॉइंट लोकेशन भी इसको कहा जाता है या 0 पॉइंट इसको कहा जाता है। 0 पॉइंट उस पॉइंट को कहा जाएगा जहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है या उसको जीरो रेफरेंस भी लिया जाता है। तो ये चॉइस होती है आपकी। अगर लाइक हम बात करेंगे जी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दी अर्थ के अंदर रहते हुए, जैसे मैंने यहाँ पर एक बाउंड्री प्लॉट की है, इस बाउंड्री के अंदर अगर रहते हुए हम बात करते हैं जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ है, तो अर्थ को हम जीरो रेफरेंस पॉइंट, अर्थ की सरफेस को जीरो रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे। अगर इसे बाहर निकल जाते हैं तो किसी और ऑब्जेक्ट को भी 0 पॉइंट लोकेशन या 0 पॉइंट या जीरो रेफरेंस चूज किया जा सकता है। तो जीरो रेफरेंस का मतलब वो पॉइंट होगा जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो एज्यूम किया जाएगा। जी और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? जी और किसी का कोई क्वेश्चन? जी तो 5 मिनट बाद मैं फिर ये मीटिंग एंड कर दूंगा अगर किसी का कोई क्वेश्चन। जी तो तकरीबन पिछले 2 हफ्ते से हम ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का। इसमें कुछ लोगों को टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए तो मैंने पहले भी उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया था कि अगर किसी को कोई टेक्निकल इशू है वो लाजमी रब्ता करें, तो इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जी तो पिछली जो मीटिंग थी, अगर आपको आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे काइंडली हैंड रेज करके बता दें। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? हेलो हेलो जी 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 तो पिछली जो मीटिंग थी, पिछली मीटिंग की रिकॉर्डिंग मैंने की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरे पास मौजूद है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो शेयर नहीं हो पाई है, तो मैं आपको, मेरे पास वो नज़र आ रही है, तो शायद उसमें ये कि आपके पास वो
नहीं मिल पाई है कि क्यों वो नज़र नहीं आ रही, तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि व्हाट्सएप पे ही शेयर कर दूँगा, तो नेक्स्ट टाइम ये इधर भी मौजूद होगी, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये टेस्ट नंबर 2 और 3 की डिस्कशन, इसमें अगर आप देखें तो ये मेरे पास ये मौजूद है। इसमें 4 सेशन हुए थे, पहले तो खैर सेशन एक एक दो दो मिनट के थे, तीसरी वीडियो बेसिकली यहाँ पर है जो कि मुकम्मल मौजूद है। तो इसको मैं कोशिश करूँगा कि उस पर व्हाट्सएप पे कम्प्लीटली शेयर कर दूँ। जी एनी अदर क्वेश्चन? जी अलग सब क्वेश्चन आपका जी पूछिए। सर ये थोड़ा क्वेश्चन है, वर्क डन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है या नेगेटिव कंसीडर किया जाता है? मैं बताता हूँ, ये अर्थ कंसीडर करते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, ये सरफेस ही लिया जाएगा। वो तो समझ लें कि ये एक ग्लू लगा हुआ है, उसके साथ सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए ये साइड ऊपर की तरफ है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये साइड ऊपर की तरफ है, यहाँ पर जो है ये साइड उसके लिए ऊपर की तरफ है। ऑब्जेक्ट जब हम लेके आएंगे टूवर्ड्स अर्थ, इस तरफ लेके आएंगे, यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से लेके आएंगे, उस पर वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। अगर हम लेके जाते हैं ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वो वर्क डन नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ये पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जब अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ना है, ऑब्जेक्ट को जब यहाँ से छोड़ेंगे वो खुद ब खुद अर्थ की तरफ मूव करके जाएगा। तो इस लिहाज से वर्क डन बाय अर्थ ये पॉजिटिव है, और वर्क डन ऑन अर्थ, ऑन अर्थ का मतलब है कि हम अर्थ को काबू पा के ऑब्जेक्ट को दूर लेके जा रहे हैं, तो ये होगा नेगेटिव। तो यूं भी कह सकते हैं कि ये एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो वर्क डन बाय फील्ड वो पॉजिटिव है, और वर्क डन ऑन फील्ड ये नेगेटिव। जी हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन? जी है नहीं अदर क्वेश्चन? अच्छा एक और चीज आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दिए हैं, ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में नहीं यूज होते, ये आपका ईमेल एड्रेस भी आप इसके जरिए ईमेल कर सकते हैं किसी को भी। आपके पास वन ड्राइव है, आप डाटा शेयर कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे जो है आपके पास प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, लाइक आप इसी पे खोलते हैं, आउटलुक खोलते हैं या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स खोलते हैं, लाइक मैं ये खोलता हूँ outlook.com। जब आप लॉगिन हो जाते हैं
लॉग इन होने के बाद अगर आप देखेंगे सारे मेरे पास ईमेल्स पड़ी हैं जो मेरे अपने ये पीपीएससी वाले ईमेल पे आ चुके हैं। और यहाँ पर अगर आप ये जो 9 डॉट्स बने हुए हैं इस पर क्लिक करें, आपके पास ये सारी एप्लीकेशंस खुल जाती हैं जो आप इस ईमेल एड्रेस के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पास कुछ ऐप्स यहाँ भी नज़र आ रही हैं, अदरवाइज जो है ये ऑल ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारी ऐप्स जो माइक्रोसॉफ्ट की आप यूज़ कर सकते हैं फ्री में, वो सारी अवेलेबल है। इसमें आप नोटबुक बना सकते हैं, एक्सेल, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं फ्री, जो 365 एक्सेल है, और फॉर्म्स बना सकते हैं, वन ड्राइव आपके पास ये 10 GB जो है डाटा शेयरिंग के लिए अवेलेबल है, आउटलुक आप यानी कि ईमेल के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये सारी एप्लीकेशन हैं। टीम्स जो हम आमतौर पर यूज़ कर रहे हैं वो कर सकते हैं, तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन हैं जो आप इस ईमेल एड्रेस के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। जी आज की डिस्कशन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन? चलें जी, हमारी जो प्रेपरेशन है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हुई थी, अब मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड अप किया है। कोशिश करेंगे कि डेली बेस पे हमारी हमारा टेस्ट और डिस्कशन हो जाए, तो कल इंशाल्लाह जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 ये दोनों ही आपने तैयार करने होंगे, तो मैं कोशिश करके 2 बजे तक टेस्ट अपलोड कर दूँगा। तो टेस्ट अपलोड होने के बाद आप उसको लाजमी अटैम्प्ट करें, और कल फिर इंशाल्लाह मीटिंग होगी, तो कल अगेन 9 बजे डिस्कशन होगा। तो मज़ीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा इन इस टेस्ट के बारे में, या कोई जर्नल क्वेश्चन है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा टेस्ट है उससे रिलेटेड ही आप पूछें, तो जो आपका टॉपिक होता है डेली बेस पे, जैसे कि कल हमारा टॉपिक है फ्लूइड डायनामिक्स और ऑसिलेशंस, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप इसे चैट के अंदर मुझे मैसेज करें, या इवन व्हाट्सएप पे कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म को ही यूज़ करें, चैट में मैसेज करें, तो मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा। चलें जी, कल इंशाल्लाह दोबारा मीटिंग होगी, तो कल के लिए तैयारी कर लें अच्छे तरीके से, 2 बजे इंशाल्लाह टेस्ट अपलोड हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।